सिंघारा ज्वालामुखी के पास रहने वाली जलपरी फकलाती थी। उसे गाने का बेहद शौक था। समुद्र की गहराइयों में तैरते हुए वो अक्सर मन में ही सुर ताल मिलाती, मगर सिंघारा के गले से कोई आवाज नहीं निकलती। वो सिर्फ संगीत सुन सकती थी, गा नहीं सकती थी। एक दिन समुद्र तूफान से उग्र हो उठा। जहाज लहरों से लड़ रहा था। उस पर सवार एक छोटी लड़की रो रही थी। सिंघारा ने बिना सोचे समझे जहाज को किनारे तक खींच लिया। रानी ने सिंघारा की बहादुरी देखी तो खुश हुई। उन्होंने सिंघारा को बुलाया और कहा, तेरे साहस से प्रभावित हूँ, तेरी इच्छा पूरी करूंगी। रानी, मुझे गाना बहुत पसंद है, मगर रानी ने मुस्कुराते हुए उसे बीच में ही रोक लिया। उनके हाथों से एक सुनहरी रोशनी निकली और सिंघारा पर पड़ी। अचानक सिंघारा के गले से मधुर स्वर फूट पड़ा। वो खुशी से झूम उठी। अब वो ना सिर्फ संगीत सुन सकती थी बल्कि गा भी सकती थी। उसका सपना रानी के आशीर्वाद से एक मिनट में ही पूरा हो गया था।